अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मर साज ब्लॉगर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी अपना व्लॉग। तो लास्ट संडे हम लोग जू गए थे जो कि उम्मुल क्वीन में था, और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो, जी। तो अभी दोपहर के 2 से 2:30 बजे का टाइम था और हम लोग घर से निकल चुके थे, और ये रास्ते में कुछ खजूर के बगात थे जिनको मैंने कैप्चर किया। और संडे था तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने लेट ही किया था, और बच्चों के बैग में कुछ खाने पीने की चीज़ें थी तो बस उसी के साथ हम लोगों ने इन्जॉय किया। और ये हम लोग जू की एंट्रेंस में हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने टिकट्स खरीदे। हुरैन हरीम जो है वो बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि एनिमल्स के हाउस कैसे होते हैं। इससे पहले भी हम लोग एक दो दफ़ा जू चल जा चुके हैं, लेकिन इस जगह पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे। और यहाँ पे जितने बड़े एनिमल और जितने नए एनिमल जो हैं वो मैंने देखे, वो मैंने लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखे थे। और ये एक यहाँ पे पुरानी सी कोई गाड़ी परी थी जो मुझे देख रही थी, और वेलकम में यहाँ पे हमने सबसे पहले तो बियर देखा। और मैंने हुरैन को बताया कि दिस इज़ द बियर हाउस, क्योंकि ये लोग माशा और बियर देखते हैं ना तो इन्हें लगता है कि पता नहीं माशा और बियर में जो बियर है ना असल में बियर का हाउस वैसा ही होता है। तो इनको दिखा और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, और ये बहुत बड़ा बियर था। ऐसे देखना है ना वो, फिर और फिर बेड के बिल्कुल सामने हमें यहाँ पे गुरीला नज़र आया। और ये जो गुरीला था ये बहुत शरारती था और अपनी शरारतों से एंटरटेन कर रहा था। ये कभी सर पर दुपट्टा लेके दिखा रहा था और कभी इसी कपड़े को नीचे बिछा के तो बैठ जाता था। और इसके साथ ही ये साजी तो कह रहे थे कि पिग है, लेकिन मैंने तो पिग पिंक कलर में ही देखे हैं टीवी में, सो आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड डैट। और फिर इसके बाद यहाँ पे मंकीज आ जाते हैं जिनको साजिद ने जो है वो स्नैक्स वगैरह दिए, और हर जो मंकी की केज था ना उसके अंदर एक डॉन ज़रूर मौजूद था जो किसी दूसरे मंकी को कुछ खाने नहीं दे रहा था। अब ये जो ऊपर मंकी है ना ये बेचारा पकड़ना भी चाहता था लेकिन डर जाता था लेकिन सारे पापड़ जो है ना वो ये एक मंकी ही खा रहा था, तो हमने कहा ये ज़्यादा ही बिगड़ रहा है तो चलो इसको छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके साथ भी ये दूसरे जो है ना वो मंकी की टाइप है, और मंकी की तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइप थी जिनमें से हमें तो बस यही पता है कि मंकी और जो है ना। अब इसको भी यहाँ पे भी एक डॉन मौजूद था मंकी का, और वही जो डॉन था वो खा रहा था, और वो बाकी जो मंकी थे उनको खाने नहीं दिया जा रहा था। और यहाँ पे भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा था, और इन मंकीज को ये सलाद पापड़ बहुत पसंद आए ये बार बार मांग रहे थे। इसको भी दे मुझे इतना प्यारा दुपट्टा। और इसके बाद यहाँ पे हमें जो गुरिल्ला है वो भी नजर आया तो सोचा इसको भी दे दें, इसको भी काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे 8 से 9 टाइप के मंकीज थे, और अभी ये भी एक ब्लैक कलर का मंकी है ये भी मांग रहा था, और इसके साथ एक जो मंकी था ना इसका जो नेबर था वो आवाज़ें लगा रहा था कि मुझे दो, और इनको इतना पता होता है कि ये खा रहे हैं तो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए थे कि यहाँ पे जो है ना वो दावत चल रही है। तो ये बड़े शरारती मंकी थे। और इन मंकीज की अच्छी सी दावत करने के बाद हमें ग्राउंड में सामने रश नज़र आया तो सोचा यहाँ पे रश क्यों लगा है, हम भी ज़रा जाके देखें हम क्यों पीछे रहे। और जब हमने वहाँ जाके देखा तो हमें वहाँ पे नज़र आया वाइट लाइन टाइगर, और ये टाइगर वहाँ पे मौजूद था और लोगों के पीछे लाइंस बनी हुई हैं, और ये सब लोग यहाँ पे वन बाय वन जो है वो टाइगर्स के साथ जो है वो पिक्चर्स ले रहे थे। तो हमने सोचा कि अभी गर्मी है तो हम लोग यहाँ पे लाइंस में लगने की बजाय कुछ और देखते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे गए तो वहीं पर जो है वो स्नैक मौजूद था। अच्छा, ये स्नैक वाइट कलर का स्नैक था जिसको सारे ऐसे सर पर रख रख के जो है ना इसके साथ पिक्चर्स ले रहे थे, और साजिद मुझे कह रहे थे कि आप भी लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं ले सकती, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। वेल, मैंने तो बहादुरी नहीं दिखाई लेकिन
लेकिन बच्चों ने दिखा दी। और यहाँ पे सबसे पहले तो ये हरीन थी और इसने तो बड़े मज़े से, इसने इसको तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरे ऊपर स्नेक है और बिल्कुल भी नहीं डरी। और इनफैक्ट इसको टच कर करके देख रही थी कि स्नेक है और ये बिग स्नेक है। और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, इन्हें पता लगा कि एनिमल जो है वो किस तरह से रहते हैं। दोस्तों मज़े मज़े की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और फिर हरीम के बाद हुरैन की भी टर्न आ गई, इसने भी काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय किया, इसको जाने नहीं दिया। और सब लोग वहाँ पे अपने टर्न का वेट कर रहे थे कि हमारी टर्न आए और हम भी स्नेक के साथ जो है ना वो पिक्चर वगैरह लें। और मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको अपने ऊपर रख सकूँ। और इन सब के बाद अब यहाँ पे पेश किया गया गुरिल्ला को बिल्कुल एक कैदियों की तरह, जो कि बहुत ही फ़नी लग रहा था। और इसने बहुत फ़न किया, इसने यहाँ पे ना ये जो बच्चा ना ब्लैक शर्ट वाला इसकी कैप पकड़ लेता था, बाकी बच्चे अपनी कैप देते थे तो ये नहीं लेता था, लेकिन इस बच्चे के साथ इसने बहुत फ़न किया। पूरे ग्राउंड में इसने सबको जो है ना वो इंटरटेन किया इस गुरिल्ला ने। और ये बच्चा भी इसे बिल्कुल नहीं डर रहा था, बार बार इसे अपनी हैट जो है ना वो ले रहा था, और गुरिल्ला जो है वो बार बार इसे अपनी इसकी हैट जो है वो खींच लेता था और सबको बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहा था। यहाँ पे तो मैं सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि इन्होंने कुछ एनिमल जो है ना वो उनको अपने निगरानी में उनको थोड़ा ओपन रखा हुआ था और लोग जो है उनके साथ काफ़ी इंटरटेन कर रहे थे। लाइक स्नेक था, फिर उसके बाद टर्टल भी आ गया और इस तरह से ना, तो बच्चे काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल एक फ्रेंडली सा और बड़ा अच्छा सा वहाँ पे माहौल जो है ना वो बना हुआ था। और इसके साथ फिर हरीम ने जो है वो भी आगे भर के इससे फ्रेंडशिप की, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी इससे ये तो। और अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम काफ़ी यहाँ पर धूप थी लेकिन हवा वगैरह चल रही थी। और अभी आगे जो नेक्स्ट 2-3 मंथ आएंगे ना, तो पूरे साल में यही टाइम होता है नवंबर से हमारा फेब तक, जिसमें थोड़ा सा घूमा फिरा जा सकता है। पाकिस्तान का जो गुलाबी मौसम होता है, यहाँ की वो सर्दी होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें गिद्ध नज़र आया, जिसको आई थिंक सो वल्चर बोला जाता है, अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो प्लीज़ आई एम सॉरी। और इसके बाद यहाँ पे रूस्टर और यहाँ पे हेंस थी। और फिर हमें यहाँ पे नज़र आए क्यूट सा लिटिल रूस्टर। कम कम हरीम। एंड नाउ देयर आर सम पीकॉक्स। और यहाँ पे वाइट और एक येलो कलर का भी था, वो थोड़ा पीछे था, वो ठीक से इसमें नज़र नहीं आया। और ये पीकॉक्स थे, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पैरट्स वगैरह थे और कुछ स्पैरोस की टाइप थी, तो इस तरह से था। और फिर यहाँ पे हम लोग अगेन ग्राउंड में आए, यहाँ पे भी रश लगा हुआ था। और ये आप लोग देखें कि एक गिरगिट को सर पे बिठाया हुआ है बच्ची ने इनको पता नहीं क्यों नहीं डर नहीं लगता, मैं तो बड़ी डरपोक इस मामले में, मुझे तो लीडर से बहुत डर लगता है और इसने इसको सर पे बिठाया हुआ है। और यहाँ भी ऐसे उसके सर पे बैठा है जैसा उसका छोटा भाई होता है। और फिर अगेन बच्चों ने तो खैर इंजॉय किया और गिरगिट से फ्रेंडशिप भी की। और फिर हरीम हुरैन को यहाँ पे स्वान नज़र आया, वहाँ पे वाइट और ब्लैक कलर के ना हंस मौजूद थे, तो ये दोनों तो इसके पीछे लगे और हंस बेचारी जो है वो इसकी खूब इन्होंने दौड़ लगाई और फिर हरीम को रोकना पड़ा। और यहाँ पे वाइट पैरट है जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैरट्स वगैरह मौजूद थे, तो बच्चों ने इनके साथ इंजॉय किया, इसके साथ फ्रेंडशिप की। हरीम ही मानो फ्रेंडशिप। और अगेन यहाँ पे जो है वो स्वान्स बच्चों को नज़र आ गए थे। और यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्होंने ये पीछे इसकी जो है ना वो बनाया हुआ था, और बड़ा बिल्कुल एक नेचुरल सा जो है ना वो व्यू यहाँ पे आ रहा था, बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक थी। और हरीम उसके पीछे जा रही है और फिर उसने कहा कि आ ज़रा शुक्र है कि बच गई। और फिर ये दोनों यहाँ पे इंजॉय करते हुए। व्हाट आर यू डूइंग? और फिर हमें वहाँ पे नज़र आया एक छोटा सा मंकी, ये मंकी का बेबी था, तो पता नहीं किस तरह से अपने जो केज था उसके अंदर से निकल के बाहर आ गया था। उसकी आप अगर आप लोग यूएई में रहने वाले हैं तो उमल क्वीन में इस जू का आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर आप कभी चक्कर लगे यूएई में तो इस जू में आप लोग जरूर आइएगा, ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगा।
और फिर यहाँ पे हिरन मौजूद थे बहुत। अगर मैं सारी वीडियो इसमें ऐड करती ना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को सब दिखा सकूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टाइगर्स मौजूद थे, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बड़े और ऐसे लायंस और टाइगर्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे थे जितने मैंने यहाँ पर देखे हैं। और बिल्कुल एक उनका बड़ा अच्छा और बड़ा साफ़ सुथरा सा व्यू जो था ज़ू था। और टाइगर जो थे उसकी भी कोई 4 to 5 उसकी टाइप्स होंगी, 4 से 5 किस्म के टाइगर थे और ये बहुत बड़े थे। और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का ना ये जंगली बिल्ली है, और ये अभी ऊपर जाके आप लोगों को मॉडलिंग करके दिखाएगी, तो मैंने उसको भी जल्दी से कैप्चर कर लिया। जी हाँ, ये है जंगली बिल्ली और इसको भी मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जस्ट इसी जू में मैंने इसको देखा था। और इसके बाद एक और जंगली बिल्ली आएगी जिसको जो मुझे तो वो टाइगर लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जंगली बिल्ली है। और ये देखिए आप लोग टाइगर जो है वो कितना बड़ा है। और यहाँ पे 2 से 3 थे और कुछ अंदर बैठे हुए थे, अंदर रूम इनके बने हुए थे ना, तो कुछ वहाँ पे भी बैठे हुए थे एंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ पे ये हमें वाइट टाइगर्स नज़र आए, ये भी अच्छे खासे भरे थे। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें टर्की नज़र आया, और यहाँ पे इन्होंने ना आगे कुछ ये गार की तरह कुछ बना रहे थे लाइक केव्स, और बिल्कुल एक नेचुरल सा लुक देने के लिए ना, तो आगे ये कुछ एक्सटेंड करने के भी काफ़ी आगे एरिया ऐसा खाली था जहाँ पे ये मज़ीद इसको एक्सटेंड करेंगे। और लगता है कि आगे मज़ीद जो है ना बहुत अच्छा ये ज़ू जो है वो बनाएंगे, अभी तो ये ज़ू जो है ना वो न्यू था। और फिर अगेन वहाँ पर हमें जो है ना टर्टल नज़र आया, और ये टर्टल जो था जब थोड़ा रश होता था ना तो अपना सरेंडर कर लेता था। और इसके ऊपर फिर हरीम को बिठाया, और हरीम के बाद फिर हुरैन की टर्न आई, तो सारे बच्चे इसी तरह इसके ऊपर बैठ के ना तो फिर पिक्चर्स ले रहे थे। तो ये चीज़ ज़्यादा इस ज़ू में जो है वो पसंद की गई, कि ऐसा नहीं था कि बस जानवर जो है वो केज के अंदर हैं और लोग जो है वो देख के पिक्चर्स ले रहे हैं, नहीं है। जो ग्राउंड में भी कुछ एनिमल्स को लेके आए थे, और साथ में यहाँ पे गार्ड्स भी मौजूद थे ऑब्वियसली, और इन चीज़ों से ज़्यादा लोगों ने जो है वो इंटरटेन किया। और अब चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे हमें यहाँ पे छितर मुर्ग जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं ये नज़र आए। वैसे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के लग रहे थे, और अच्छा इससे पहले भी हम लोग ना एक ज़ू में गए थे, वहाँ थोड़ी जो स्पीशीज थी ना और तरह की थी, वहाँ पे एनिमल्स थोड़े और तरह के थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े और तरह के थे। और फिर यहाँ पे ये एक तालाब था जिसके अंदर 4 से 5 हमें मगरमच्छ नज़र आए, बहुत बड़े नहीं थे, बस नॉर्मल एक साइज़ के मगरमच्छ थे। और इसके बाद हम जा रहे हैं हाथी राजा के पास जो कि हमें दूर से कब से नज़र आ रहा था, और ये पूरा जो है वो ग्राउंड का व्यू है। और जब हम इसके ऊपर से गुजर रहे थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फिशेस नज़र आई जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी, इसमें वाइट और ऑरेंज कलर की भी फिशेस मौजूद थी। और बच्चों ने तो खैर इन बच्चों ने भी इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो बड़ा नेचुरल सा लग रहा था, सारे एनिमल्स को बच्चे देख रहे थे, बर्ड्स को देख रहे थे। बच्चे टीवी देखते हैं ना तो कार्टून्स में जो देखते हैं उनको लगता है बस इसी तरह का जो हाउस और इसी तरह का लिविंग स्टाइल होगा एनिमल्स का, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, और इंजॉय भी किया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनिमल ये एलिफेंट बना हुआ था जिसके ऊपर बैठ के हुरैन और हरीम दोनों का हुआ फ़ोटोशूट। और यहाँ पे जिराफ भी था, उसको भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। और कोशिश तो मैंने की है कि ज़ू की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं सब शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो मैंने कुछ चीज़ें जो है ना एक दो उसके अंदर से स्किप कर दी। और अब हमारा घर जाने का टाइम था, और ये ज़ू की एंट्रेंस पर इन्होंने ऐसे केज बनाया हुआ था बहुत अच्छा, ये ग्लोब सा बना हुआ था और इसके अंदर वाइट कलर का लाइन मौजूद था। और सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस अमेजिंग ज़ू। और इसके बाद ये इस टाइम पे अभी आई थिंक 5 o'clock का टाइम था, शाम के 5 बज चुके थे, और हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग घर चले गए, तो बहुत अच्छा हमारा जो है वो वीकेंड रहा, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। सो जी, तो ये था एक छोटा सा व्लॉग जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।